देखिए बहुत सारी ईंटें आ चुकी हैं, कुछ आगे पड़ी हैं, कुछ ट्रैक्टर में भरी हुई खड़ी हैं, और ये बच्चे नल पर खेल रहे हैं क्योंकि गांव में बच्चे ऐसे घूमते हैं। और हंती ये ईंटें डालनी है हमें उधर ही, और ये तो आज लगे पड़े हैं फोन में, और पूछो ना बस इनका तो ऐसा ही है। ये देखिए, अरे हमारे मजदूर साहब चाय पीने बैठ गए हैं, चाय पी रहे हैं। अरे हमारा जेठ जी लिकड़े जा रहे हैं। अरे देखिए सर, चमचे ने इतना गड्ढा खोद दिया। ये देखिए काफी गहरा खुद चुका है, 6 फुट का, और अभी 1 फुट और खोद देगा। अलंडा थक गया आज पसीने में, तर बतर हो रहा कहते हम तो दिखा दे ऊपर को दिखा तो सुनवा फिर। अरे देखिए कितनी ईट निकली है इसमें से, थोड़ी जरा थोड़ी लग लिया अभी जरा मन भाग गया होता। और अब पीला चाय, और ये है मेरी चाय मलाई मार कर। जय देखिए पापा जी जमीन में गड्ढा खोद रहे हैं, मम्मी जी खड़ी रही है हंस रही है, और ये भाई बूढ़े बुजुर्गों की तरह बैठा है। ऊपर कैसे आओगे? ये पता नहीं क्या पूछ रहा है बूढ़ा बुजुर्गों वाले काम। और ये देखिए पापा जी ऊपर आ रहे हैं, ये रणवीर भैया। हेलो रणवीर भैया। ये देखिए गाइस मिट्टी खोद रहे हैं, और ये देखिए हमारी मम्मी जी लेके जा रही है। ये वाला गिर दे रोड़ा, इधरली साइड में गिर दे। ए गाइस कितनी मिट्टी और कितनी ईंटें तो इससे ही निकल गई, इसमें तो हमारा एक कमरा बन जाए। और ये देखिए कितना बड़ा मुंह खोल रहे हैं जी। ओहो बाल बाल कैच करा। देखिए गाइस ये भाई, ये रणबीर भैया। यार इतना वो कर रहे हैं ना। हाँ सब नीचे गिर गए। देख गाइस ये देखिए गाइस कितना खजाना लिकड़ा है टॉयलेट के गड्ढे से, और ये ईंटें भी किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में ईंटें भी खजाने का ही रूप है। देख गाइस मिट्टी खोद रहे हैं ये तो कब के। अरे मम्मी जी बार बार मिट्टी लेकर जा रही है, इतनी बड़ी सीढ़ी, ऐसा कितना गहरा गड्ढा हो गया ये, इसमें तो हम डूब जाऊंगा। गाइस अगर आपके घर में ऐसा हो तो मैं तो कर नहीं सकता, आप कर लेना पानी भर देना इसमें, स्विमिंग पूल का मजा फ्री का, बिना पैसों की गारंटी रहता हूँ, बिना पैसों को स्विमिंग पूल आ जाएगा आपके घर में, बिना पैसों को स्विमिंग पूल में अलग ही मजा आ जाएगा।
रास्ते में पड़ी थी, क्योंकि माँ जी को बहुत ही कम दिखता है तो उन्हें ना चोट वगैरह लग जाएगी, इस वजह से ना हम ये ईंटें उठा के ऊपर डाल रहे थे, क्योंकि अभी हम इन्हें घर तो नहीं ले जा रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम इन्हें यहीं से रास्ते में से हटा दें और ऊपर को करके डाल दें। और ये देखिए छोटा बच्चा लक्स है, ये भी हमारे साथ लगा हुआ है, क्योंकि बच्चे ऐसे ही होते हैं गाँव के, मौज मस्ती करते रहते हैं। और ये पप्पू सिंह जी खड़े हैं हमारे पास में ही, और ईंटें सभी डल चुकी हैं हमारी। ये देखिए दोस्तों, निहाल के पापा भर रहे हैं पानी, क्योंकि यहाँ पे छिड़काव करना है पानी का। यहाँ पे ईंटें उतरी थी कल, तो सारे में ना मिट्टी मिट्टी हो रही है, ये देखिए तो पूरे घेर में ना मिट्टी उठी पड़ी है। और बच्चे वहाँ पे लगे हुए हैं, बॉल ढूँढ रहे हैं, बॉल खो दिया बच्चों ने। और ये ईंटें हमने यहीं पर डाल दी हैं, क्योंकि अभी उधर ईंटें बहुत सारी रखी हुई हैं, तो जब वे ख़त्म हो जाएंगे ना तो तब यहाँ से ही उठा लेंगे, नहीं तो हम सोच रहे थे कि वहीं पे ले जाएं, इस वजह से हम नहीं ले गए हैं, क्योंकि वहाँ पे भी भीड़ हो जाएगी और लेंटर वगैरह डलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से ना ये हमने यहीं पे छोड़ दी हैं। तो फिलहाल हम तो यहीं पर रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो यहीं पड़ी रहेंगी लेंटर तक। और ये देखिए हो रहा है पानी का छिड़काव यहाँ पर, ये देखिए आप लोग देख सकते हो पानी पानी हो रहा है सारे में। और अब हम आ गए हैं अपने घर पे, और आज ये तो खोद रहे हैं नहीं, और हमें डालना है दीवारों पे पानी सीमेंट वालियों पे। और ये ईंटें हमने सारी यहाँ पे लगा रखी हैं, अंदर भी सारे में मिट्टी डाल दी हमने, ये देखिए रेत के ऊपर ही मिट्टी डल चुकी है, ये देखिए। और आज निहाल के पापा को जाना है रोहतक, और फिलहाल ये नींव वगैरह खोद देंगे और फिर मैं पानी भरूं और पानी डाल दूं दीवारों पर। बच्चे तो खेलने लग रहे हैं हमारे, हम ही कर रहे हैं थोड़ा मना, जो भी होगा वही कर लेंगे। ये देखिए टॉयलेट वगैरह हमने सब तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया, गड्ढा भी खुद गया पूरा, दिख नहीं रहा, अंधेरा सा हो रहा गड्ढे में, फिर दिखाएंगे गड्ढे। और हमने यहाँ पे ना रेत के ऊपर मिट्टी तो डाल दी थी, लेकिन जगह जगह ढेर से लगे हुए थे, तो ये ना उन्हीं को इकसार कर रहे थे, क्योंकि ऐसे घूमते फिरते हैं तो मिट्टी आसानी से दब जाएगी। और आप लोग देख सकते हो कितनी सारी ईंटें फैली पड़ी हैं, और मिट्टी भी काफ़ी सारी निकल गई है, गड्ढे में से खोदने के बाद ही निकली है सारी मिट्टी। और ये मिट्टी हम फैला देंगे, और फैलाने के बाद ही ये इकसार हो जाएगा, और बाकी का बाद में ही होता रहेगा जैसे होगा। और इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर रहे हैं, पसंद आए तो लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे नेक्स्ट।